एकदम को 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 का आवाज होते रहता है, लेकिन अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं, कान में लगाते हैं और ऊपर देखते हुए आते हैं। इसी ऊपर देखने के चक्कर में हम लोग ऊपर में पोस्टर लगाए हैं ताकि ऊपर नेता जी आप देखिए। सहरसा के ऐसे बेशर्म नेता हैं जो दूसरे पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। रोड नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज, मैं हूं प्रशांत कुमार। विरोध प्रदर्शन तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन आपको दिखाएंगे। जरा मैं अपने बीजे से कहूंगा, जरा ये पोस्टर को दिखा। ये पोस्टर में लिखा हुआ है वोट का बहिष्कार, कृपया इस रोड में कोई भी नेता ना आवे, वोट नहीं मिलेगा, धन्यवाद, निवेदक गांधी पथ समस्त मेरी जनता। ये सहरसा का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहा जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोड की कितनी बदत स्थिति है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इस पोस्टर लगाकर नेता का विरोध किया है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये पोस्टर लगाने का मकसद क्या है। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार सिंह। ये पोस्टर लगाए हुए हैं सर, हम लोग 15 वर्ष से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं इस रोड में, जबकि मेन चीज है बगल में सूर्या हॉस्पिटल है, जिसमें रोज 2-4 एम्बुलेंस जाती है इमरजेंसी पेशेंट लेकर के। वो एम्बुलेंस जब आती है तो रोड जाम रहता है, हॉर्न बजाते रहता है, एकदम को 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 का आवाज होते रहता है, लेकिन पब्लिक कहाँ जाएगा? बगल जाएगा तो नाला में गिरेगा, इधर जाएगा तो पानी में रहेगा। लेकिन नेताजी आते हैं तो इस रोड में दालान चौक से जैसे उतरते हैं अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं, कान में लगाते हैं और ऊपर देखते हुए आते हैं। इसी ऊपर देखने के चक्कर में हम लोग ऊपर में पोस्टर लगाए हैं ताकि ऊपर नेताजी आप देखिए और हम लोगों का समाधान कीजिए। ऊपर देखने से समाधान नहीं, नीचे से समाधान होता है, इसको समाधान तो कीजिए। जब तक रोड नहीं तब तक हम लोग वोट नहीं। यही बताइए, पोस्टर लगाए हुए हैं, क्या विरोध प्रदर्शन हो रहा है? तो हम लोग आज 15 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये रोड और यहाँ नाला, ये दोनों की स्थिति इतनी जर्जर है कि लोग आने जाने वाले जो उनको इतनी समस्या होती है, आए दिन गाड़ियां पलट जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन किसी भी नेता का, ना ही किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। हमने कई बार ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश किया, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं इस तरफ और वो बिल्कुल इसको छोड़ करके चल रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें बहुत हैरानी होती है कि सहरसा के ऐसे बेशर्म नेता हैं जो दूसरे पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, इतने बेशर्म नेता सहरसा में हैं। और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं जी, बताइए जी, कार्य का क्या कारण है? भैया, ये 15 साल से हम लोग जो झेल रहे हैं, वो जो इस मोहल्ला में रहता है वो जानता है कि क्या स्थिति है। जो पैदल चलता है, जो रिक्शा से चलता है, रिक्शा टूट जाता है, साइकिल गिर जाता है, मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते हैं। अब बताइए, ये समस्या आज 15 साल से हम लोग परेशान है, कोई नेता यहाँ ध्यान देने के लिए नहीं आता, ना देखने के लिए आता। गाड़ी से उतर के चले तब तो पता चलेगा नेता को क्या हाल है रोड का, लेकिन नहीं, गाड़ी पे बैठे बैठे एसी में अपना बैठे हुए चले गए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोग इस बार विरोध कर रहे हैं सीधा, वोट रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आपने सुना, ग्रामीणों में यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो काफी आक्रोश में दिख रहे हैं और पोस्टर लगाकर वोट का बहिष्कार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नेताजी यहाँ सिर्फ हवा देते हैं, अगर विकास की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यहाँ के विरोध प्रदर्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सहरसा से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।